कटिहार डंडखोड़ा थाना क्षेत्र में बलुआ टोला के रहने वाले समर कुमार उर्फ चुन्ना झा को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले इन लोगों के द्वारा चंद्रदेव यादव के खेत को अपना बताकर चंद्रदेव के हथियार के साथ गिरफ्तार करवा कर झूठे केस में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद चंद्रदेव के द्वारा भी केस किया गया। जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो सच्चाई का पता चला। उसके बाद प्रशासन चुन्ना झा को छापेमारी कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सर, मामले में हुई है कि केस हुआ था इनके ऊपर। जी सर, गिरफ्तार किया गया। किस बात में मैटर में केस हुआ था सर? मैटर में हुआ था कि आर्म्स एक्ट, ये लोग जो है गलत किसी को खेत को अपना बनाना चाह रहे थे, इसी में हुआ है। किनका खेत था सर वो? खेत है चंद्रदेव यादव का। ये लोग जो है बादी वगैरह केस उलट करके इनके नाम पर कर दिया था कि इनका आर्म्स दे करके इनको चंद्रदेव यादव को जेल भेजा गया था। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखनी अनुमंडल से लेकर सरस्वती सिनेमा हॉल तक इतनी गंदगी स्थित होती है कि एम्बुलेंस और आदमी उनकी दम टूट जाएगी। हमारे प्रशासन कहते हैं कि हमारी 4 गाड़ियां मस्ती कर रही है, इसके बावजूद भी भीड़ की कमियां NH 107 महसूस नहीं कर पाती। कड़ाके की ठंड में नोटरडेम एकेडमी मुंगेर प्रिंसिपल सिस्टर सोनिया एवं सिस्टर ट्रेसा ने मानवता बचाव दल टीम के साथ घूम घूम कर जरूरतमंद बेबस लाचार रात्रि में 11:30 बजे तक उन्हें भोजन वितरित किया। हर एक व्यक्ति के पास जाकर सिस्टर सोनिया ने उनसे बात की, उनकी परेशानी को सुना एवं अपने हाथों से भोजन देकर अद्भुत सेवा भाव का परिचय पेश किया। लोग भी देखकर हैरान हो गए कि सिस्टर सोनिया के रूप में मदर टेरेसा तो नहीं आ गई। इससे पूर्व भी सिस्टर सोनिया जरूरतमंद लोगों के बीच कड़ाके की ठंड में कंबल वितरित कर चुकी है। सिस्टर सोनिया ने मानवता बचाव दल की टीम सेव ह्यूमैनिटी की प्रशंसा की एवं कहा कि मेरा सौभाग्य है कि शहर के कोने कोने में जाकर वैसे लोग जो चल नहीं सकते, मानसिक तौर पर कमजोर लगभग 150 लोगों को भोजन वितरण करना अच्छा अनुभव रहा। सिस्टर सोनिया एवं सिस्टर ट्रेसा के साथ मुर्शिद रहमानी मोहम्मद, आबिद मोहम्मद मोना, मोहम्मद इमरान, नितेश कुमार, दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता अमीर उल इस्लाम मौजूद थे। भागलपुर जगदीशपुर के सन्होला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर दुर्गा पोखर के निकट स्थित एक ट्रैक्टर का ट्रेलर बनाने वाली अजय कृषि केंद्र में तीसरी बार चोरी हुई है। दुकानदार अमित कुमार के अनुसार वह जब रविवार के सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान के छत का चद्दा टूटा हुआ है और दुकान में रखा सब सामान अस्त व्यस्त है। उन्होंने जब दुकान के सभी सामानों का निरीक्षण किया तो देखा कि दुकान में रखे वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन सहित कई सामान गायब है, जिसका अनुमानित कीमत 1,50,000 बताया गया। इस बात का उन्होंने जगदीशपुर थाने में आवेदन देते हुए बताया कि इसके पूर्व भी इस दुकान में 2 बार चोरी हुई। ताजुब की बात तो यह है कि दुकान सन्होला मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बार बार इस तरह की दुकान में चोरी होती रहती है लेकिन पुलिस को इसके भनक तक नहीं लगती। मशीन, ड्रिल मशीन का मोटर, 3 पंखा, उसके बाद वेल्डिंग मशीन जो होता है, उसके बाद कटर, उसके बाद और भी जो औजार हम लोग का है, नट बाल्टू, फार का, ये सारा सामान पूरा मतलब क्षति कर दिया गया है। अभी भी जितना भी औजार है, बिल्डिंग मशीन का लीड मशीन, तार पर जो भी छोटा मोटा जो सामान है, वो सारा का सारा सामान यहाँ पे छोड़ी है। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में बाहर है नीतीश की सरकार। जी हां, बिहार में बैकऑफ अपराधी सरेआम व्यवसायी और पब्लिक पर किया जा रहा है फायरिंग। मुखदर्शक बने हैं अररिया पुलिस। फारसबी जंग में शुरू हुआ मिर्जापुर फिल्म की कहानी, लगातार हो रही गोलीबारी व्यवसायी और पब्लिक पर। फारबिसगंज में शुरू हुई मिर्जापुर फिल्म की कहानी, लगातार हो रही है गोलीबारी। अभी एक चावल व्यवसायी की गोली मार कर हत्या की गई। मामले की जांच शुरू हुई थी कि महज 18 घंटे के बाद दूसरी घटना फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस के समीप घट गई, जहां जमीन बिक्री करने आए डीलर को अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्या की गई है। हालांकि मृतक के परिजनों के अनुसार घटना का अंदेशा उसके पुत्र व अन्य रिश्तेदार के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि एक जांच का विषय है। घटना जो भी हो, फिलहाल
फारबिसगंज पुलिस लगातार आम जनों के नजरों पर है, उनके कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में गोलीबारी की घटना हो रही है, जिस पर पुलिस द्वारा अंकुश लगाने में नाकामी देखी जा रही है। कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही शहर के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी पवन केड़िया का अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या का मामला सुलझा भी नहीं कि रविवार की देर रात छुआपट्टी के चावल व्यवसायी अमन कुमार गुप्ता को फुलकाहा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वही फारबिसगंज भाजपा विधायक मंचन केसरी अपनी ही सरकार और कानून पर उंगली उठा रहे हैं। बाइट फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी, बाइट एसडीएम सुरेंद्र कुमार अलबेला, बाइट परिजन की पत्नी, बाइट परिजन की बहन। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की घटनाएं जो है और लगातार जो है घटित हो रही है। एक पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न तो उठता ही है और रात की जो घटना थी उसमें त्वरित कार्रवाई करवाते हुए जितने भी अपराधी थे उन सभी अपराधियों को जो है शिनाख्त कर करके दो अपराधी उसमें पकड़े गए हैं और दो दुर्भाग्यजनक बात है कि इस तरह की घटनाएं विगत दो दिन से होती है और इसमें अभी जो ज्ञात हुआ है कि उसके पुत्र ने ही अपने पिता को गोली मार दी है। कुछ जमीन का रजिस्ट्री का मामला था, जैसे सूचना प्राप्त हुई डिटेल में रजिस्ट्री ऑफिस से इसका डिटेल प्राप्त करूंगा। अभी तो तहकीकात की बात चल रही है। बीसीएन न्यूज के लिए फारबिसगंज से सुमन ठाकुर की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला, यही रुकने का। ताजा खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।